नहीं, सिर्फ अपनी कॉपी, ओनली योर कॉपी ऑन द बेंच, नथिंग एल्स, ओनली ऑन योर कॉपी, कुछ और नहीं, सिर्फ एक कॉपी, साइंस की कॉपी। लेने गए हैं। जल्दी से, क्विक। सो यू हैव टू, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगी, आपकी वर्कशीट में से ही है। यू डोंट हैव टू राइट क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड, इट इज इन योर वर्कशीट, नो प्रॉब्लम। यू विल रीड फ्रॉम हियर, टेल मी द आंसर एंड यू विल राइट क्वेश्चन नंबर दिस, आंसर दिस इन योर कॉपी। इफ यू हैव वर्कशीट देन यू कैन ब्रिंग आउट दैट वर्कशीट, ओके? अगर है, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, ओके? सो लेट्स सी, सिक्स ए, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, सिक्स ए, लिसन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, मॉड्यूल टू, फ्रॉम योर वर्कशीट, दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, मॉड्यूल टू। मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन मास्ट मार्च पास्ट, इट इज ए पीरियोडिक मोशन, राइट? इधर लिसन हियर एवरीबॉडी, सिक्स डे स्पेशली, बाकी भी इस तरह से चल रहे हैं, है ना? वापस अगेन सेम मोशन इज रिपीटेड, और उनकी स्पीड भी बहुत यूनिफॉर्म होती है, एक ही स्पीड पे चलते हैं। यू हैव टू सी कि वेदर दिस इज पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। देन मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए कर्व्ड ट्रैक ऑन हिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलीनियर मोशन, राइट? कि ये कर्वीलीनियर है कि नहीं, हिल्स पे, यू नो, इस तरह से। एवरी पीरियोडिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन, जो भी पीरियोडिक मोशन है वो कहता है वो इस तरह से है, ऑसिलेटरी मोशन भी ऐसे ऐसे ही करते हैं। हॉकी प्लेयर रनिंग आफ्टर ए बॉल इज ए मल्टीपल मोशन, मीन्स वो कभी लीनियर है कभी कर्वी लीनियर है, उसकी एक मल्टीपल मोशन है। यहां पर आप क्वेश्चन ठीक करेंगे, एवरीबॉडी हियर, बिल्कुल इधर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, जिसके पास वर्कशीट है, नहीं वर्कशीट है तो क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, नॉट करेक्ट। यस, नाउ सिक्स ए एंड सिक्स ए में आ जाइए, मुस्कान, मुस्कान कम फॉरवर्ड, सिक्स ए मुस्कान, माइक ऑन कीजिए सिक्स ए वाले बच्चे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, कैन नो प्रॉब्लम, देन सिक्स ए, देन कम सोनाक्षी, सोनाक्षी आ जाओ, ग्रीन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा है, ए बी सी डी? अच्छा मुझे ये बताइए, टेल मी, कि सोल्जर्स जो मास्ट पास करते हैं, इज इट ए पीरियोडिक मोशन, इज इट रिपीटेड? मैम दिस इज ट्रू, क्योंकि देखो सेम मोशन जो है वो रिपीट हो रही है, उनके स्टेप्स भी इक्वली होते हैं, है ना? देखा है ना आपने, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, ये वाली, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इनकरेक्ट? मोशन ऑफ ट्रेन ऑन हिल्स इज ए कर्वी लीनियर मोशन। बेटा ये भी ठीक है, क्योंकि रास्ता हिल्स में कैसे होता है, कभी इधर को मोड़ हो गया, कभी इधर को मोड़ हो गया, कभी इधर को कर्व हो गया, तो ट्रेन ऐसे ही जा रही है, सीधा नहीं जाती हिल्स में, प्लेन्स में ही सीधा जाती है, ठीक है? हिल्स में इट इज कर्व, सो इट इज अगेन कर्वी लीनियर मोशन। छोटी छोटी ट्रेन चलती है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन्स नहीं हिल्स में चलती, स्मॉल ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स, बिकॉज इन हिल्स देर इज नो स्ट्रेट लाइन, देर आर ऑलवेज कर्व, सो
ऑल्सो बी वाली ऑप्शन बताइए. हॉकी प्लेयर रनिंग आफ्टर ए बॉल इज ए मल्टीपल मोशन, यस और नो? दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कभी सीधी बॉल जा रही है, कभी यहाँ को टर्न कर गई, कभी यहाँ को कर गई, कभी वो ड्रिबलिंग करते हैं बॉल के साथ, राइट? मल्टीपल मोशन है. नाउ दिस इज ऑब्वियसली जब ये टीम ठीक है तो दिस इज इनकरेक्ट. तो सी एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी. सिर्फ ऐसे ऐसे जो है वो ऑसिलेटरी नहीं, ये जो सोल्जर्स जा रहे हैं सीधा वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, रिपीटेड आफ्टर सम टाइम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बैठो बेटा, ठीक है एवरीबडी. ऑप्शन सी, जिसके पास वर्कशीट है उसमें मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 8 M2. जिसके पास नहीं भी वर्कशीट है वहां पर लिखो, कॉपी में लिखो असाइनमेंट मॉड्यूल 2 क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन लिख लेना. करेक्शन जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 6B. एवरीबडी सिक्स है बेटा, अपना माइक ऑफ करो. गोज इन ए पार्क फॉर प्लेइंग, ही वेंट टू स्लाइड एंड एंजॉयड स्लाइडिंग. आपको पता है स्लाइड में जिसमें फिसलते हैं, ठीक है उसमें स्लाइडिंग कर रहा है. ही ऑब्जर्व दैट ए प्लांट ऑफ, स्लाइड कैसे होती है बेटा अगर हम देखें तो ये पोल्स होते हैं एंड दिस इज स्लाइड, यस और नो? यस दिस इज द स्लाइड, राइट? द चाइल्ड इट स्लाइड्स, ये भी फिक्स्ड है, स्लाइड भी फिक्स्ड है, सिर्फ चाइल्ड मूव करता है स्लाइड. और कैसी मूवमेंट है? अगेन सीधा मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन है. सुनना है अपने कान और दिमाग, इसका कनेक्शन बना कर रखो, राइट? बिकॉज ears only work if the mind is working. Ears without mind, without brain is nothing. ठीक है, इसलिए कानों का और दिमाग का कनेक्शन बना करना. And enjoyed sliding. He observed that a plant of sunflower is straight. ठीक है, there is a plant. है ना, चलो मैं एक रेड से ही बना देती हूँ. Although sunflower is yellow. It is straight, but its flower, it is growing towards sun. यहाँ पे sun है, this is sunflower, and it is growing towards, ये bend हुई हुई है. It is growing towards sun. Plant is growing straight, but sunflower is bending towards sunlight. ठीक है, curvilinear motion है, ध्यान से देखना है. He further observed a large pole on which a climber is attached. एक और बड़ा पोल है जिसके आसपास मनी प्लांट ग्रो कर रहा है. अगेन यू कैन सी दिस इज curvilinear मोशन ऑफ क्लाइंबर. मनी प्लांट, मनी प्लांट आपने सबने देखा है. सो इट इज ग्रोइंग लाइक दिस. ही देन वेंट टू ए स्विंग एंड स्टार्ट स्विंगिंग. है ना, हम उसको कौन सा झूला कहते हैं आप हिंदी में, वट एवर इट इज से, ठीक है पींग कह देते हैं, पींगे पानी है ना. सो दैट इज स्विंग, स्विंग पे जो है वो झूल रहा है. इट इज लाइक अ पेंडुला, राइट? आगे पीछे आगे पीछे, पीरियोडिक मोशन है. सेम स्पीड पे अगर एक बार धक्का मारोगे सेम स्पीड पे मूव करता है, राइट? एंड इट इज ए ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक. He rushed towards him and started playing football pass by pass by foot. Suddenly he saw his watch whose long arm is at 5. ठीक है, आपको दिख रहा है इसकी, its long arm is at 5 and short arm is at 6. And you know, this is hour arm, hour, घंटे. This measures hours and long arm measures minutes, right? He is already late by 30 minutes. उसने जब घड़ी देखी तो ये टाइम हुआ था,
राइट अपनी कॉपी में बना लो ये जल्दी से फटाफट, क्योंकि अब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ड्रॉ दिस स्विंग, ना सॉरी स्लाइड, सनफ्लावर प्लांट, क्लाइंबर, क्लॉक। ड्रॉ इट जल्दी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, है ना? इसको क्वेश्चन नंबर 9 आपने मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 9, दीज आर द डायग्राम्स। ये जरूर बनानी है, दिस यू हैव टू ड्रॉ मस्ट। ओके चलिए लेट मी मूव फर्दर। नो यू हैव टू टेल मी, ठीक है जी? सिक्स्थ बी में से मेरे पास आ जाएंगे बेटा, फर्स्ट इज गुरनीत, नवदीप, अर्पित। गुरनीत, नवदीप, नवनीत, अर्पित, ये आ जाओ, तीनों आ जाओ, ठीक है? नाउ टेल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। टाइम ऑफ मोशन ऑन द स्लाइड मैंने बताया भी है, किसकी? टाइप ऑफ मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए स्लाइड। यस, चाइल्ड इज स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स फिसल रहा है इस स्लाइड से नीचे की तरफ। व्हाट इज द मोशन ऑन स्लाइड? इज इट, मैं आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, इज इट रेक्टिलिनियर, इज इट सर्कुलर, इज इट रोटेशनल, इज इट ऑसिलेटरी? विच आउट ऑफ दीज फोर विच इज द मोशन? ऑसिलेटरी देखो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। आई देखो ऑसिलेटरी था, ध्यान से देखो स्क्रीन पे देखो। रेक्टिलिनियर होता है सीधा जाना, सर्कुलर एंड रोटेशनल मींस कर्व में जाना, राउंड में जाना, ऑसिलेटरी मींस इस तरह से पेंडुलम, है ना? दिस इज पेंडुलम, इसको हम ऐसे 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 ऐसे, दिस इज वन। तो मुझे अब बताओ कि क्या ये सीधा जा रहा है, सर्कल में है, या ऐसे ऐसे कर रहा है? सीधा ये सीधा जा रहा है। रेक्टिलिनियर जा रहा है, तो बताओ रेक्टिलिनियर, सर्कुलर की ऑसिलेटरी? लीनियर, भूलोगे तो नहीं, लीनियर। हाँ लीनियर, हर बच्चा अपनी कॉपी में लीनियर की मतलब लिखे, मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर मीन स्ट्रेट, बहुत बार आएगा लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलीनियर या लीनियर। लीनियर मीन स्ट्रेट, सो बिल्कुल ठीक बेटा, बैठो। सो आंसर इज ए का है, लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर, वन एंड द ठीक सेम थिंग। हाँ जी, सेकेंड स्टूडेंट, इज द स्लाइड एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट स्टैंड? ये स्लाइड है और ये स्टैंड है, स्टैंड भी फिक्स्ड है, स्लाइड भी फिक्स्ड है। तो अब मुझे बताइए कि क्या स्लाइड रेस्ट पे है कि मोशन पे है? कैसे? मोशन बच्चे की बात नहीं हम कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस किड। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ स्लाइड की बात कर रहे हैं। ये जो स्लाइड है, ये क्या मोशन, क्या स्लाइड की पोजीशन ऊपर नीचे इधर उधर हो जाती है कि वो फिक्स ही होती है? हो जाती है। स्लाइड स्लाइड इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं हम? नो नो, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। ये स्टैंड भी यही, ये स्लाइड भी यही, इन दोनों का गैप हमेशा सेम रहता है। नाउ टेल मी,
रिस्पेक्ट टू स्टैंड्स इज द स्लाइड इन मोशन और एट रेस्ट? रेस्ट। रेस्ट पे है, वेरी गुड, बैठो बेटा, इट इज एट रेस्ट। इज द चाइल्ड एट रेस्ट और इन मोशन? हां जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, द चाइल्ड है, यहां से इट इज कमिंग डाउन, इट्स पोजीशन इज चेंजिंग। नाउ टेल मी, चाइल्ड इज एट रेस्ट और इन मोशन? रेस्ट। चाइल्ड, जब आप फिसलते हो तो आप रेस्ट पे हो कि मोशन पे हो? इमोशन। ध्यान से सोच के बताना बेटा, मुझे नहीं पता, है ना, बाद में जब आप करेक्ट आंसर बताओगे आई विल टेल, और किसी की सुननी भी नहीं है। यू आर, मोशन मीन्स चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप यहीं पर ही बैठे हो बट उसके बाद आपने फिसलना शुरू किया, यू विल कम हियर, देन यू विल कम हियर, देन यू विल कम हियर, प्लेस चेंज हो रही है कि नहीं? तो फिर मोशन में हो कि रेस्ट में हो? अगर तो स्लाइड और आपकी पोजीशन सेम रहती है, स्लाइड भी वही, आप भी कहीं पे, तो दोनों रेस्ट पे। अगर स्लाइड कहीं है और आप कहीं जा रहे हो तो आप मोशन में हो। आप बताओ कि जब आप इस पे फिसल रहे हो, आर यू इन मोशन और आर यू एट रेस्ट? मोशन मोशन। बेटा, है ना, वैसे ही जनरली हम स्लाइड पे फिसल रहे हैं तो मोशन में। बैठो बेटा, नेक्स्ट, सिक्स्थ सी। सिक्स सी के स्टूडेंट्स जहां पर भी बैठे हैं, तो लेट्स कम सिमर सिमरप्रीत एंड चाहत। सिक्स सी, सिमरप्रीत एंड चाहत, हाँ जी, आई होप दे आर इन सिक्स एफ, अगर है तो। हाँ जी, चाहत इज कमिंग फर्स्ट, चलिए जो भी आ जाए। ग्रोथ ऑफ सनफ्लावर प्लांट, देखो बेटा, सनफ्लावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, प्लांट इस तरह से सीधा ग्रो कर रहा है। नाउ टेल मी, लीनियर मोशन है उसकी कि कर्वी लीनियर है कि ऑसिलेटरी है? टेल मी। यस, इन सिक्स एफ स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, माइक कहाँ है, बोलो जरा, देखिए आपकी आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम। बताइए। सनफ्लावर प्लांट सीधा ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ अगर देखी जाए, इज इट कर्वी लीनियर, इज इट लीनियर और इज इट रोटेशनल? लीनियर का मतलब होता है सीधा, कर्व का मतलब होता है ऐसे ऐसे जाना, रोटेशनल होता है ऐसे। लीनियर, लीनियर। सीधा है, लीनियर, वेरी गुड, बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ देयर इज ए पोल एंड अ प्लांट इज ग्रोइंग। अगेन मैं आपको, अगेन आई एम टेलिंग यू द मीनिंग, लीनियर मीन्स स्ट्रेट, कर्वी लीनियर मीन्स ऐसे ऐसे, रोटेशनल मीन्स इन सर्कल। नाउ टेल मी, क्लाइंबर की ग्रोथ कैसे है? कर्व लीनियर। वेरी गुड, इट इज कर्वी लीनियर, वेरी गुड, चलिए बैठिए बेटा, कर भी लीनियर। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सिक्स डी। सिक्स डी में आ जाइए बेटा, रिया, वन इज रिया, कृतिका, अरमान। अरमान पहले आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, रिया कृतिका। चाइल्ड मोशन वाइल स्विंगिंग, स्विंग आपको पता है, झूला लेते हो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके पोल्स है और यहाँ पे झूला है जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, और ऐसे 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 मूवमेंट हो रही है, ठीक है। नाउ टेल मी, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑप्शंस, इज इट, तो चाइल्ड की जो, या स्विंग की जो मोशन है, इज इट ऑसिलेटरी, इज इट यू नो रेक्टिलिनियर कि सर्कुलर? रेक्टिलिनियर होता है स्ट्रेट लाइन में जाना, सर्कुलर मतलब सर्कल में जाना, और ऑसिलेटरी होता है ऐसे ऐसे जाना। ऑक्सीलेटरी।
ऑसिलेटरी, पेंडुलम की जैसे मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, इट इज ऑसिलेटरी. वेरी गुड, आंसर इज ऑसिलेटरी. नेक्स्ट स्टूडेंट देखो बेटा, अब ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, यू मस्ट बी नोइंग. आपने आंसर दिया तो वी विल हैव अ क्लैप फॉर यू. हाँ जी बेटा बोलो. मैम, क्वेश्चन एफ इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. थैंक दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, यू है ना, लिख लो बेटा, ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक, क्योंकि दोबारा से रिपीट हो रही है ये मोशन. अब अगर हमने, अब अगर इस गर्ल ने चाहा, योर नेम इज रिया, मैम. यस रिया, अगर आपने इसका आंसर ठीक दिया, वी विल ऑल विल हैव अ क्लैप फॉर रिया. डज द स्विंग मूव विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड? अब देखो ध्यान से, चाइल्ड भी स्विंग पे बैठा है. जब स्विंग मूव कर रही है तो चाइल्ड भी उसके साथ मूव कर रहा. क्या स्विंग और चाइल्ड की पोजीशन चेंज हो रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? दोबारा से सुनो प्लीज, लेट मी. अगर ये है, कैन यू सी, एंड दिस इज रिया सिटिंग ऑन दिस, ठीक है, दिस इज स्विंग, दिस इज रिया, यहां पे गए, स्विंग भी वही है, रिया भी वही है, पीछे आए, स्विंग और रिया की पोजीशन एक दूसरे से चेंज हुई कि नहीं? दोनों की पोजीशन वहीं पे, रिया बैठी हुई है स्विंग पे, दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है कि नहीं? नो तो आगे गए तो दोनों इकट्ठे गए, पीछे गए तो दोनों इकट्ठे गए. अगर हम पोल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो पोजीशन स्विंग की भी चेंज हो रही है और चाइल्ड की भी, रिया की भी चेंज हो रही है. बट अगर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें, डज द पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? स्विंग और रिया, क्या दोनों की पोजिशन चेंज है कि नहीं? दोनों वहीं पे ही है, कोई चेंज नहीं हुई, नहीं ना, इधर आए तब भी वहीं पे ही बैठा है बच्चा, स्विंग भी वहीं, रिया भी वहीं. तो मुझे बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू स्विंग, इज द रिया एट रेस्ट की मोशन? दोनों का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, है ना, दोनों वहीं पे ही है, जीरो डिस्टेंस है. तो इस स्विंग के कंपैरिजन में रिया मोशन में है कि रेस्ट पे है? रेस्ट. शी इज एट रेस्ट, है ना, ये मोशन में नहीं है. वेरी गुड, हैव ए क्लैपिंग फॉर रिया, जल्दी. वेरी गुड रिया, बैठो बेटा, ठीक है. सो डज द स्विंग मूव विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड? हम लिखेंगे नो. नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके लिए भी क्लैपिंग होगी, ठीक है. क्या नाम है बेटा आपका? कृतिका. कृतिका. वेरी गुड कृतिका. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्विंग इन पोल्स के रिस्पेक्ट में क्या मूव कर रहा है, क्या उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है? पोल्स फिक्स्ड है, स्विंग मूव कर रही है आगे पीछे आगे पीछे, तो क्या स्विंग मोशन में है कि रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू पोल्स? एक बार में आंसर देना है सोचकर. मोशन. मोशन में है, वेरी गुड, क्योंकि पोल्स तो रेस्ट पे है ना. वेरी गुड, हैव ए क्लैप फॉर कृतिका. वेरी गुड, आई विल आल्सो क्लैप. वेरी गुड, ठीक है. तो मोशन, बिकॉज द स्विंग, पोजीशन ऑफ स्विंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पोल्स. टाइप ऑफ मोशन ऑफ मिनट आर्म आपने बनाई है, वॉच आपने बनाई है ना, आपको पता है यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये मिनट आर्म 5 पे है और ये आर आर्म 6 पे, जो ये मूव कर रही है सेंटर से फिक्स्ड है अगेन, ठीक है. तो 6E में से मेरे पास बच्चे आएंगे बेटा, 6E में से वरिंदर, कृषव, वृंदर एंड कृषभ, ये दोनों आ जाओ 6E. हाँ जी बेटा, हाँ जी. अब मुझे ये बताइए कि ये जो मिनट आर्म चल रहा है, यहां से यहां चलती रहती है, फिक्स्ड है यहाँ पे, इज इट अगेन, इज इट रेक्टिलिनियर, सर्कुलर की रोटेशनल? इज रोटेशनल. रोटेशनल. वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा, इट इज रोटेशनल, क्योंकि फिक्स्ड है सेंटर से. नेक्स्ट स्टूडेंट,
एट व्हाट टाइम द चाइल्ड स्टॉप्ड प्लेइंग, कब उसने, जब उसने घड़ी देखी तो ये टाइम हो रहा था, क्या टाइम था? 6:25 वेरी गुड, इट्स 6:25। और उसकी मम्मी ने किस टाइम बुलाया था? थी। 6 o'clock। नहीं, आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर, तो 25 मिनट्स पहले। 5:55। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा, दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट। इंटेलिजेंट हो गए अब सारे, है ना? नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सक्यूज बेटा, मी मैम, मोशन ऑफ क्लॉक इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक, एब्सोल्यूटली ट्रू। व्हाई बीटिंग ऑफ हार्ट, लिखिए क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई बीटिंग ऑफ हार्ट इज, वैसे तो पीरियोडिक होनी चाहिए, है ना, सेम हार्ट की मूवमेंट दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है। व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पीरियोडिक मोशन? बिकॉज, आंसर मैं बता, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू टेल? यस, इन 6F, यस, द गर्ल इन द मिडल रो, कम फॉरवर्ड। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बीटिंग ऑफ हार्ट इज पीरियोडिक व्हेन वी आर ऑन रेस्ट, बट इट इज नॉन पीरियोडिक व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग, वॉकिंग और प्लेइंग एटसेट्रा। Why? Why भी आंसर बता दो ना, क्यों क्यों? हाँ, मैम, बिकॉज व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी सो द हार्ट बीट डज नॉट परफॉर्म द हार्ट बीट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बिकॉज हार्ट बीट उस टाइम फास्ट हो जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली इट विल गिव यू मोर नॉलेज, है ना? नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, नॉर्मल रेट, एवरीबडी विल राइट, ऑफ हार्ट बीट, इट इज 72 टाइम्स इन 1 मिनट, 60 सेकेंड्स और 1 मिनट। या हम इसको कैसे लिखते हैं, 72 बटा पर मिनट। सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट, ठीक है? एट रेस्ट रेट ऑफ हार्ट बीट, अगेन आपने यही लिखना है, 72 टाइम्स पर मिनट, एंड इट इज पीरियोडिक। बट इन स्ट्रेस, आपको एग्जाम की याद आ जाए, ओहो कल तो एग्जाम है और हमने किया नहीं, एकदम हार्ट बीट तेज हो जाती है, यस और नो, है ना? होता है ना? हाँ, एग्जाम के नाम पे तो खास कर हो जाता है। और टीचर ने कह दिया कि आज कॉपीज की सबमिशन है और आप भूल गए, तब भी हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है कि टीचर आज डांटेगी, राइट? सो अंडर स्ट्रेस डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, रनिंग एटसेट्रा, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस। एंड बिकम्स इरेगुलर, एकदम ज्यादा हो जाती है, फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर बहुत कम हो जाती है, एंड बिकम्स इरेगुलर। देयरफोर
हार्टबीट ड्यूरिंग एक्टिविटी, कोई सी भी एक्टिविटी कर लो, बिकम्स नॉन प्रियोरिटी. When I come in the class, right, to teach you people, my heartbeat also becomes irregular. है ना? Why? Because I think कि am I able to teach all the concepts to the students or not? Am I able to deliver the things to the students or not? Right? So, under these conditions, the heartbeat becomes non-periodic. स्ट्रेस में कई बार तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार आपको बहुत जोर से सांस लेना पड़ता है कि भाई अंदर ऑक्सीजन जाए, हार्ट बीट थोड़ी कम हो जाए. सो इट बिकम्स नॉन पीरियोडिक. जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज करे, कभी कभी. चलिए हमने इन जनरल कर लिया कि इंक्रीज कर जाती है स्ट्रेस कंडीशन. ओके. एवरीबडी, ये रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है जी, चलें आगे. एंड रिमेम्बर दैट कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है, और ये अपलोड होती है अगर किसी का मिस होता है, क्योंकि यहां पे से इन्हीं में से या जो टीचर्स ने आपके क्वेश्चंस कराए हैं या जो हमने कराए हैं, इन्हीं में से ही पेपर आना है, कहीं और से नहीं आ जाना है. ठीक है? तो ये आपने समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन यू हैव टू राइट. राइटिंग की प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट. अवर साइट एट यूट्यूब के एजुकॉन ई लर्निंग, अगर आप इस पे जाएंगे यूट्यूब पे, इस साइट को खोलेंगे, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर. ठीक है? तो आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा. जो फ्रेंड्स आपके नहीं आए उनको बताना, ताकि दे ऑल्सो शुड अटेंड के एजुकॉन ई लर्निंग. चलिए, नेक्स्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज कंसिडर्ड पीरियोडिक बट नॉट एस ऑसिलेटरी. हु विल टेल मी? सिक्स डी, सिक्स डी में से संबडी. देखिए, यस, एनीबडी फ्रॉम सिक्स डी कम फॉरवर्ड. आ जाओ जल्दी से, किसी क्लास में से आ जाओ. दिस इज सन. दिस इज इट्स ऑर्बिट, है ना? और इसके आसपास क्या घूम रही है? हाँ गुड मॉर्निंग जी बेटा, गुड मॉर्निंग, बोलिए बेटा. मैम. बिकॉज दी ऑक्सीलेटरी इज द टू फोर ऑफ दी मोशन, बट अर्थ परफॉर्म वेरी रोटेशनल और पीरियोडिक मोशन. गुड, वेरी गुड, है ना? सो यू कैन राइट डाउन, एवरीबडी लिख लो. ये क्वेश्चन अगेन रीजनिंग क्वेश्चन है, दैट ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन. ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन देयरफोर इट इज सर्कुलर मोशन. सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर लिखना है, रोटेशनल नहीं लिख देना है, क्योंकि एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है. इट इज सर्कुलर मोशन.
मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। हाँ गुड जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा कर देती हूँ। अब देखिए आ रही है। कैन स्टूडेंट सी? कलर प्लीज चेंज द कलर ओके ओके, मैं आई टेन कर देती हूँ। रेड वाला या ब्लैक वाला? गेट वाला रेड वाला, नो प्रॉब्लम। अभी आप लिख लो, मैं आपको बता रही हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए। द अर्थ रिवॉल्व, चक्कर लगा रही है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन एंड दिस इज सर्कुलर मोशन। एंड मोशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो पीरियोडिक एज इट इज रिपीटेड। आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। एक साल में ये एक रिवॉल्व रेवोल्यूशन कंप्लीट कर अगले साल फिर शुरू हो जाती है 1 जनवरी से। सो सेम मोशन इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, दैट्स व्हाई इट इज ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है, हम जल्दी से करें अगला सा, फटाफट, थोड़ा सा ही हमारा रह गया। बाकी आप देख लेना किसी फेलो स्टूडेंट से या रिकॉर्डेड लेक्चर देख। पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन माइट कंसिडर देमसेल्व्स एट रेस्ट। ये हमने किया था पिछली बार, बिकॉज बिकॉज यहां पे लिखो, आंसर लिख लो। बिकॉज पैसेंजर एंड ट्रेन आर नॉट चेंजिंग पोजीशन, उनकी कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रही, जहां बैठा था वहीं पे ही बैठा हुआ है पैसेंजर, ट्रेन भी चली जा रही है, सो एट रेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने शुरू में किया था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, ये अब आप बताएंगे। 6F निहारिका, जल्दी से निहारिका, 6F। यस हाँ जी बताइए। रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर देखी है बेटा आपने? मूवीज नो में देखी होगी, एक्शन मूवी में कैसे मूव करती है। ठीक है, रॉकिंग चेयर मैम। जी बेटा, मैम प्लीज रिपीट द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। मैं अभी बता दोबारा से बताती, पहले ये हम कर ले फिर मैं फिफ्थ का भी बता दे। रॉकिंग चेयर मूविंग बैक एंड फोर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो ऐसे बीच में से फिक्स्ड होती है, ऊपर से जाती है फिर नीचे, ऊपर तरफ से पहुंचती
मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. हेलो. हाँ आ गई आप. Am I audible now? मुझे ये बताइए रॉकिंग चेयर ऐसे 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 मूव करती है, यहाँ से फिक्स्ड है. इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? मैम यस. यस दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू, क्योंकि एक जगह से फिक्स्ड है. इट इज क्यों है ऑसिलेटरी मोशन? इज इट ट्रू? रीजन देखिए. मैम ट्रू रीजन इज ऑल्सो. सो असर्शन ऑप्शन ए है इसकी करेक्ट आंसर. लिखिए. बिल्कुल ठीक है बेटा बैठो. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. लिख लो इसका आंसर. एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन. ओके. और आज आपने फोन पे जाके यू रॉकिंग चेयर देखनी है कैसे होती है, आपको पता चल जाएगा. यस एवरीबडी, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे बताना है कि हमने देखी रॉकिंग चेयर. ओके. नेक्स्ट. मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड इज नॉट रेक्टिलिनियर मोशन. हाँ जी. सिक्स ई में से हमारे पास आ जाइए जी. सहज. सहज इज देयर. सहज ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट रोड पे व्हीकल, आपका स्कूटर जा रहा है स्ट्रेट रोड पे, यस तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है? है है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो दिस इज रॉन्ग. रोड्स आर नॉट स्मूथ एंड दस इज बम्पी. ये तो है ही है, इट्स ट्रू. बट जैसी मर्जी है, अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा. तो ऑप्शन कौन सी आ जाती है? डू यू नो द ऑप्शन? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन असर्शन. बिल्कुल ठीक. बैठो बेटा. असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. वेरी गुड. ऑप्शन डी ये है. असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर टू था. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी. हमार फर्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड. हाँ बस एक रीजन असर्शन और करा लो फिर हम छोड़ रहे. बस ओके मैम. वन मोर. यस. नेक्स्ट इज सिक्स डी का नंबर आ रहा है. एंड सिक्स डी में से आ जाइए मेरे पास. हेमनप्रीत. हेमनप्रीत इज देयर. आ जाओ बेटा. यस. देन ए कार टेक्स ए टर्न ऑन ए कर्व्ड रोड. है ना, मुड़ते हैं. इज इट ए रोटेशनल के सर्कुलर या कर्विलीनियर? कौन सी मोशन होगी? देखो कर्विलीनियर. कर्विलीनियर तो ये गलत है, रोटेशनल नहीं है. रोटेशनल होती है फैन की जैसे या वॉच की, कि जिसमें फिक्स्ड है और ये चीज मूव कर रही है, ये रोटेशनल है. बट दिस इज नॉट रोटेशनल, क्योंकि कार कहीं फिक्स्ड थोड़ी है. यस. रोटेशनल या सर्कुलर हम कह सकते हैं या कर्विलीनियर. सो दिस इज फॉल्स. सर्कुलर मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू. सर्कुलर मोशन. बेटे यहाँ पे ना थोड़ा सा ठीक कीजिए, यहाँ पे लिखो रोटेशनल. राइट डाउन रीजन में कीजिए रोटेशनल और ये ट्रू है. दिस इज ट्रू. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये ठीक करना है सबने अपनी वर्कशीट में. ठीक है एवरीबडी. और जिसके पास वर्कशीट नहीं है वो लिख लो कि क्वेश्चन नंबर रीजन असर्शन क्वेश्चन नंबर थ्री.
आपने करेक्शन करनी है रोटेशनल मोशन. ठीक है बेटा, बैठो बेटा. ठीक है, फर्दर क्वेश्चन वी विल अगेन डिस्कस समडे बिफोर योर हॉलीडेज. राइट, आपकी दिवाली की हॉलीडेज आने उससे पहले हम ये कवर करेंगे. टुमारो यू विल हैव क्लास ऑफ मैथ्स ओनली. ठीक है, अच्छा सा इंटीजर समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? चैप्टर वेरी. और कल एक काम करना, ठीक है, कि अपनी जो मॉड्यूल 3 है वो करके आना, ताकि सर जब पूछे तो आप सबको फटाफट से आता हो, तो सर कहे ये पता नहीं कौन सा मैजिक हो गया. राइट, विल यू डू इट? ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय मैम. बाय बच्चे, थैंक यू टीचर्स.